यहाँ पर फैशन शो और सामाजिक कार्यकर्ता भरत भाई सोलंकी, इनके प्रभा देवी सांस्कृतिक केंद्र और प्रभा देवी स्थानिक पंच के माध्यम से यहाँ पर जो बड़ा फैशन शो यहाँ पर रखा गया है, ये इनके समाज के लिए, इनके समाज के जो युवक है उन युवकों को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर ये शो रखा जाता है हर साल। हम भरत भाई से बात करेंगे। भरत भाई, आप ये कल्पना आपको किस तरह से सूझी? सर, मैं एजुकेशन के अंदर स्कूल टीचर हूँ और स्कूल टीचर होने के नाते सांस्कृतिक धार्मिक कार्य करना ये मेरा फर्ज बनता है और ये मेरा जन्मस्थल है। ये जन्मस्थल के अंदर कुछ नया हो, इस वजह से हम लोग सब मिलके, और ये सब जो खड़े हैं अपने पीछे यहाँ पे, वो सब लोग हमें ताकत देते हैं इस प्रोग्राम में। देखो, ये लोग आए 6 बजे से आए, लेकिन फिर भी 6 बजे से आके ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और ये शो जो है शो का आनंद ले रहे हैं, और हमारे जो बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये लोग मोटिवेशन देते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। ये जो मोटिवेशन मिलता है उससे हमें ताकत मिलती है आगे बढ़ने के लिए, तो हम ऐसे ही चलते रहते हैं सर। थैंक यू। यहाँ पर देखिए, भरत भाई ने कहा है कि यहाँ पर जो हम कार्यक्रम करते हैं उसी से यहाँ आगे जाके बच्चे लोग का भविष्य बनता है। यहाँ पर गोविंद भाई परवान जी यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने समाज सेवा में अपना बहुत ही बड़ा कार्य किया है, हम उनसे जानेंगे। गोविंद भाई, आप ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए क्या कहेंगे? यहाँ पे हर साल नया नया कार्यक्रम किया जाता है और ये पूरी बस्ती हमारी जो सफाई कामगार समाज से है, एकदम विकर सेक्शन के लोग हैं, और आज इसको उठाने के लिए यहाँ की जो भरत भाई की टीम है और यहाँ का जो सांस्कृतिक केंद्र है, इनका जो प्रयत्न है, और आज ये जो कार्यक्रम रखा, इस कार्यक्रम के बाद जो भी इसके अंदर उत्तीर्ण होते या इसके अंदर से आगे जाते हैं, उसके उदाहरण अभी हर्ष ने बताया कि वो कई 20 शो वो जीत के उन्होंने फैशन शो में आगे आए, तो ये तो धन्य है हमारे इस बस्ती का कि ऐसे लड़के लोग जो बच्चे लोग तैयार हो रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और मैं तो प्रार्थना करूँगा कि यहाँ इसमें तो आगे ही आगे जाओ, पर बच्चों के और भी भविष्य है, हम लोग इसमें ही सीमित रहना नहीं है। बच्चों के लिए आगे तुम जैसे शिक्षण के अंदर अभी प्रोत्साहन दे रहे हैं, शिक्षण के लिए अभी बच्चों लोगों को उत्साह बढ़ाया, वैसे ही आज उनके नौकरियों के भी प्रश्न है, उनके नौकरियों के बारे में उन्होंने सोचना चाहिए। हम लोग यही मजा मौज करते रहेंगे या डांडा रेस खेलते रहेंगे, ये डांडा रेस तक का सीमित मत रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे रोजगार है, तो वही रोजगार तुम्हारे बच्चों का भविष्य है, आज उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ा संदेशा दिया है गोविंद भाई ने कि अभी आपने देखा बच्चों लोग का यहाँ पर सत्कार भी किया है, जिस तरह से ये लोग टीम काम कर रही है, भरत भाई और ये सांस्कृतिक केंद्र के उनके भाई है जीतू भाई, और पूरी जो टीम है उसमें मन्नू मंगू ड्रेस वालों का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने इनको बहुत सहायता करने की कोशिश। यहाँ पर देखिए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनसे बात करेंगे। आपको ये शो के माध्यम से क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या करोगे आगे जाके? अभी आगे जाके देखेंगे, ये आगे मतलब बोलते ना करेंगे फैशन शो में। तो आपको ये शो पे आप जो वॉकिंग किया वो उसमें और अपन रोज करते हैं उसमें क्या पता? इसमें थोड़ा अलग लगा क्योंकि अपन जो डेली करते हैं उसमें अलग रहते हैं, और इसमें सब पब्लिक अपने को देखते और अपने को वोट करते। आपको क्या लगा? आगे जाके मुझे यही चीज़ में बहुत आगे जाना है कि इसी चीज़ को लेके मुझे बहुत आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इसी चीज़ को लेके। ये तो शो बहुत अच्छा था, इससे और आगे और सीख मिलता है, और मतलब और ज़्यादा इधर से कुछ आगे जाएंगे और थोड़ा आगे जाएंगे। मतलब ये जो ये लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये बराबर काम कर रहे हैं? बराबर काम कर रहे हैं और सिखा रहे हैं सबको कि ऐसा चीज़ भी होती है, कैसे कैसे मतलब सब एरिया में, एरिया वाइज सब होता तो नहीं है, पर ये करते हैं बहुत अच्छा करते हैं सब। यहाँ पर देखिए, पार्टिसिपेट किए हुए लोगों ने आपको बताया कि किस तरह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा लगा। आगे जाके आपका क्या करना चाहते? आगे जाके बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसी में आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ, इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको आपको क्या लगा? बहुत अच्छा। आपको ये कैटवॉक करते समय क्या महसूस हुआ? आप जो घर पे जो कैट चलते हैं उससे कुछ अलग था? अलग था, ऐसा एक्सपीरियंस मिला कैसे करते हैं चलते। कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका?
यहाँ पर देखिए ये लड़की लोग को भी यहाँ पर चलने का जो फैशन शो होता है उसमें आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर हो रही है और इनका कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा सा बढ़ गया है ऐसा इनका यहाँ पर। Number 4 is here. Number 4.